अब जरा चिंतन करिए कि भगवान के भक्त केवट भगवान कैसा कौन सा मर्म जानते हैं कि भगवान चुप हैं। केवट जी क्या कहते हैं, हे प्रभु मैंने सुना है चरण कमल रज कहूँ सब कहै मानुष करनी मुरी का छुआ है छुवत सिला राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम बालों सब परिवारो नहीं जानम कछु और कवा जो प्रभु पार अवश्य गाचा वहीं पद पदोम पखा
प्रभु चुप, बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी पूछ रहे हैं, यदि आप अवश्य जाना चाहते हैं तो मुझे पांव पखारने की आज्ञा दीजिए। भगवान चुप हैं, बोल नहीं रहे। केवट को लगा संकोच हो रहा है प्रभु को, तो संकोच से मुक्त कर दे। कैसे? कह प्रभु, इस घाट पर ही यदि आप पार जाएंगे तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा। थोड़ी दूर आगे कमर भर पानी है, हम ठाह दिखा देंगे, बिना नाव के पार चले जाएंगे। देखिए कवितावली जी में बाबा क्या लिखते हैं। यही घाट से थोड़ी के दूरी है कटी लो जल यही घाट से थोड़ी के दूरी है कटी लय जल धार दिखाई हुजू पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्या समुझाई हुजू पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्या समुझाई तुलसी अवलंबन और कछु तुलसी अवलंबन और कछु लड़िका के ही भांति जी आयु हो जो लड़िका के ही भांति जी आयु हो जो परमाए मोहि बिना पग धोए हो नारना बच जाए परमाए इस घाट से थोड़ी दूर कमर भर पानी है, था दिखा देंगे पार करा देंगे। यदि आपके चरण रज स्पर्श से मेरी नाव स्त्री बनी तो घर में झंझट बढ़ जाएगी प्रभु। क्यों? घर में एक पहले से ही है, बाल बच्चे भी हैं। भगवान मुस्कुरा रहे। गोस्वामी जी लिखते कवितावली जी, केवट जी चाहते क्या है, पांव पखरवा लीजिए प्रभु। दोष मुक्त भी किए हैं, भगवान कहते हैं गोस्वामी जी फिर भी चुप है। तब केवट जी ने कहा, लगता है कि प्रभु के पास कुछ उतराई देने का नहीं। जानते ये देश ऐसा है ना, अद्भुत देश है हमारा। हमारा देने का स्वभाव है और देना ही चाहिए। भगवान ने दिया है तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं देने का स्वभाव बनना चाहिए। छोटा बच्चा भी कहे ना कि पापा लाइए दान करें, तो तत्काल निकाल के देना चाहिए, लो दान करो बेटा, इस स्वभाव में लाना चाहिए। भर्तृहरि महाराज अपने शतक में कहते हैं, विभवे दान शक्तिश्च नीति शतक रति शक्तिश्च मैथुने भोजने भोक्तृ शक्तिश्च नालपसप फलम नालपस्य तपसप फलम। विभवे दान शक्तिश्च, संसार का सुख लेना हो इंद्रियों में शक्ति, वैभव हो तो देने की शक्ति, भोजने भोक्तृ शक्तिश्च ना अल्पस्य तपसः फलम्। भोजन कर लिया तो पचाने की शक्ति, थोड़े तप का परिणाम नहीं। जीव जब कठोर तप करता है तो ये तीनों क्षमता उसको प्राप्त होती है। और भगत जी हैं, भगत जी को लगा कि भगवान तो भगवान है, लगता है उदासीन वेश में आए हैं, तो कुछ उतराई नहीं, इसलिए संकोच करते हैं। भगत ने भगवान को
लेन देन से मुक्त किया। दर्शन करिए क्या छंद बाबा लिखते हैं। पद कमल धोजी चढ़ाई नावन राम जी आपकी सौगंध है। विश्वास न हो तो पुण्य राजी की लक्ष्मण जी कृपा